अचानक एक युवक को बिजली का तार जोड़ते समय करंट लग गया। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, लेकिन युवक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टरों ने समय रहते युवक का इलाज नहीं किया। ये मामला काशीपुर के झीमरखेड़ा मझरा का है, जहां पंकज कुमार नामक युवक करंट की चपेट में आ गया था। परिजन जब उसे अस्पताल लेके पहुंचे तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया, लेकिन मृतक के चाचा गणेश सिंह ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस समय हम पंकज को अस्पताल लेकर पहुंचे उस समय उसकी पल्स 60 के आसपास चल रही थी, परंतु अस्पताल के कर्मचारियों का कहना था कि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं है जिससे हम इलाज नहीं कर सकते हैं। वहीं महुआखेड़ा गंज से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि पंकज अपने घर में कमाने वाला एक लौता व्यक्ति था। उसकी मां का देहांत 4 साल पहले हो गया था। पिता भी उसके चलने फिरने में असमर्थ हैं। पंकज की एक बेटी भी है, अब उसके परिवार का कोई सहारा नहीं है। रात ये अपना प्लग लगा रहा था, जो लाइट का प्लग होता है वो लगा रहा था, और प्लग लगाते हुए उसको करंट लग गया। करंट जैसे लगा तो इनके जो परिवार वाले हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर भर्ती करा, और वहाँ पर जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल इमरजेंसी में भर्ती करा तो डॉक्टरों की लापरवाही, उसकी पल्स 66 चल रही थी और वो लड़का बच सकता था। डॉक्टरों की लापरवाही, 4-4, 5-5 हज़ार में लड़के वहाँ रख रखे हैं, और ना वहाँ वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, ना ICU है। इसको लगभग 8 बजे घर में करंट लग गया। करंट लगने के बाद अस्पताल आए, सरकारी अस्पताल में। उसके बाद डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन लापरवाही के साथ एक जो इन्होंने रख रखा था किराए पे, इन्होंने कहा कुछ नाम था उसका कुछ, और इन्होंने ना तो उसका जो CPR देते हैं ना CPR दिया, और ना ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया, ना ही इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था। पूछने पर कि भाई क्या है तुम्हारे पास सुविधा नहीं है, बोले कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं बना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।